हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू देश क्लासेस द एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्लासेस फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम एंड आल्सो फॉर द स्कूल स्टूडेंट्स एनसीआरटी के सारे पॉइंट है इंक्लूडेड हैं तो सभी के लिए बेनिफिशियल है कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले कैंडिडेट्स हों या स्कूल के स्टूडेंट्स हों सभी के लिए बहुत ज्यादा ही बेनिफिशियल है हम लोग क्लास नाइन का चैप्टर वन जिसका नाम है मेटर इन आवर सराउंडिंग स्टार्ट कर चुके हैं जिसका आज हम लोग थर्ड पार्ट करने वाले हैं हमारे कुछ टॉपिक्स रह गए थे जिन्हें हम यहाँ पे कवर करेंगे तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं ऑलरेडी कवर्ड मैटर देन देन प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जिसमें हमने प्रॉपर्टीज uh, पढ़ी देन स्टेट ऑफ मैटर लिक्विड सॉलिड एंड गैस नाउन वी वी स्टडी अबाउट द चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर मैटर के स्टेट में जो चेंज आता है ड्यू टू टेम्परेचर वो पढ़ा जिसमें हमने लेट एंड हीट ऑफ फ्यूजन लेट एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन पढ़ा है नाओ टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर ड्यू टू प्रेशर ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं एज आई टोल यू की जो स्टेट है मैटर की वो चेंज होती है फॉर एग्जाम्पल जो वाटर है वो आइस में कन्वर्ट होता है आइस वाटर में वॉटर वाटर वेपर में तो ये जो है मैटर्स जो है अपनी स्टेट को चेंज कर रहे हैं एंड दिस चेंज इज अकर्ड ड्यू टू टू रीजन्स वन इज ड्यू टू टेम्परेचर एंड द सेकेंड इज ड्यू टू प्रेशर वी आर ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द टेम्परेचर इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर ड्यू टू इफेक्ट ऑफ प्रेशर ठीक है आज हम पढ़ने वाले हैं कि प्रेशर की वजह से चेंज कैसे आता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेशर क्रिएट्स नो इफेक्ट ऑन सॉलिड और लिक्विड बिकॉज बोथ स्टेट ऑफ मैटर आर नॉन कंप्रेसिबल प्रेशर का मीन्स होता है कि किसी चीज पे हम फोर्स अप्लाई करके उसको कंप्रेस करें बट सॉलिड और लिक्विड के केस में पॉसिबल नहीं है क्योंकि वी कांट कंप्रेस सॉलिड एंड लिक्विड सॉलिड में तो बिल्कुल ही चांस नहीं है कि हम उसको कंप्रेस कर पाए क्योंकि उसको हम कंप्रेस करेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा लिक्विड भी उसको हम कुछ एक्सटेंड तक उसके फोर्स को रोक सकते हैं बट हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते इसलिए जो चेंज आता है ड्यू टू प्रेशर वो मोस्टली जो है आपका जो है थर्ड स्टेट में जो कि आपका गैस स्टेट है उसमें आता है ठीक है तो चलिए वट ऑन द अदर हैंड एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर विद रिड्यूज टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस जब हम गैस पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो टेम्परेचर डाउन हो जाता है और गैस जो है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है फॉर एग्जांपल, ड्यूरिंग पार्टीज और स्टेज शो यू मस्ट हैव नोटिस स्मोक दैट स्प्रेड ऑल अराउंड द स्टेज ओके यू हैव नोटिस दैट इन दार्टीज दोग वाइट कलर या कलरफुल फॉग्स वगैरह जो हम क्या करते हैं उसे हम स्प्रेड करते हैं चारों तरफ तो वो आप देखेंगे कि वो जो एक्चुअली स्मोक होता है वो एक्चुअली में क्या है वो ड्राई आइस होता है एक्चुअली में वो ड्राई आइज है ठीक है नथिंग बट ड्राई आइस ठीक है जिसको हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है इसको कंप्रेस करके क्या बना दिया जो है ड्राई आइस बना दिया एज अ फॉग हम जिसको पार्टीज वगैरह में यूज करते हैं स्प्रिंकल करने के लिए ठीक है तो ये यह देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि गैस है ठीक है सिलेंडर में गैस फिल किया गया है इसको कंप्रेस करेंगे तो वो लिक्विफाई हो जाएगा गैस और देन अगेन हम और ज्यादा उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा तो एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर कैन कन्वर्ट गैस टू लिक्विड विच इन टर्न कैन कन्वर्ट द लिक्विड टू सॉलिड ड्यू टू कंप्रेशन ओके क्या होता है कंप्रेस करने से जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं क्लोज आ जाते हैं एज वी नो कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज्यादा ही क्या होते हैं फ्रीली बाउंडेड तो होते हैं वो एकदम फ्री होते हैं से क्लोजली अटैच नहीं होते तो जब वैन वी अप्लाई फोर्स ऑन गैस द पार्टिकल्स कम क्लोजर दैट्स वाई दे कन्वर्ट इन टू लिक्विड और जैसे कि हम और ज्यादा उस पर फिर हम अप्लाई करते हैं प्रेशर तो लिक्विड में के जो पार्टिकल्स हैं जिसके अंदर कुछ स्पेस होता है वो स्पेस भी उनके अंदर क्या होता है ख़त्म हो जाता है और वो कन्वर्ट हो जाते हैं सॉलिड में क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली बाउंडेड होते हैं इसीलिए गैस जो है लिक्विड जो है लिक्विड एंड लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है ओके लेट्स मूव ऑन टू द प्रोसेस इन्वॉल्व इन चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर वो कौन कौन से प्रोसेस हैं दैट चेंज द स्टेट ऑफ मैटर तो लेट एट डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड व्हेन वी अप्लाई टेम्परेचर व्हेन वी अप्लाई हीट टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे देन सॉलिड जो है वो फ्यूज हो जाएगा उसका फ्यूजन हो जाएगा और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि इसके जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो लूज हो जाएंगे देन वी इंक्रीज मोर टेम्परेचर देन लिक्विड जो है एवेपरेट हो जाएगा एंड कन्वर्ट इन टू गैस बिकॉज पार्टिकल्स मूव फ्रीली देयर लिंक देयर क्लोज रिलेशन ब्रेक्स ओके देन इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर फॉरदर मोर द गैस कन्वर्ट इन टू द सॉलिड डायरेक्टली विदाउट गोइंग टू लिक्विड स्टेट दिस इज कॉल्ड सबलिमेशन ओके नाउ कम बैक टू दी गैस अगेन लुक एट हियर व्हेन वी डिक्रीज टेम्परेचर टेम्परेचर को डिक्रीज किया यहां टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है यहां टेम्परेचर डिक्रीज जब टेम्परेचर को डिक्रीज किया तो उसका कंडेंसेशन हो गया और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया जब टेम्परेचर को और ज्यादा डिक्रीज किया गया तो उसका सॉलिडिफिकेशन हो गया एंड लिक्विड कन्वर्ट्स टू सॉलिड एंड अगेन डायरेक्ट इंक्रीमेंट ऑफ टेम्परेचर और डायरेक्टमेंट डिक्रीमेंट एंड इंक्रीजमेंट ऑफ टेम्परेचर सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए ये गैस डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए तो दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन ओके लुकेट हेयर फ्यूजन वॉट इज फ्यूजन द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड इन टू लिक्विड जब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया जाए तो इस फिनोमेना को कहा जाता है आपका फ्यूजन फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस आइस उसने हीट अप्लाई किया हीट को इंक्रीज किया तो सॉलिड जो है आइस जो है मेल्ट होके आपका लिक्विड बन गया ओके देन सॉलिडिफिकेशन वॉट इज सॉलिडिफिकेशन द फिनिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड टू सॉलिड अब रिवर्स हो गया पहले हमने लिक्विड को सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया तो फ्यूजन हो गया जब हम लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे तो वो सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल जो आइस हम बनाते हैं बाई यूजिंग वॉटर वॉटर को कूल cool किया टेम्परेचर को डाउन किया और वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया ओके okay? कंडेंसेशन, फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ गैस टू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जब गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो उसको कंडेंसेशन कहेंगे कंडेंसेशन का एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा चलिए मैं आपको बता देती हूँ फॉर एग्जांपल प्रेजेंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग कोल्ड वाटर कभी कभी आप देखेंगे जब आपने ग्लास में पानी रखा है कोल्ड वाटर रखा है तो आप वाटर के ग्लास के जो है आउटर साइड पे आप देखोगे कि वहां पे वाटर के ड्रॉपलेट्स हो गए हैं वो एक्चुअली में क्या हुआ है कि जो आपके ग्लास में जो ठंडा पानी था उसने क्या किया ग्लास के चारों तरफ जो एयर थी ना जो एयर थी उसको कूल cool कर दिया तो एयर मींस गैस गैस को कूल किया गैस को कूल करने से क्या हुआ जो गैस थी वो कूल होके वाटर बन गई और वही वाटर जो है ड्रॉपलेट की फॉर्म में ग्लास के जो है आउटर बाउंड्री पे आपको दिखाई देती है एज अ ड्रॉपलेट ओके तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली कंडेंसेशन, ओके चलिए एक बार हम पढ़ लेते हैं बिकॉज ऑफ द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर वेन कम इन कॉन्टेक्ट विद द कोल्ड गैस ग्लास ऑफ वाटर इट लूज इस एनर्जी एंड कंड लिक्विड स्टेट दिस सीन एज वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन सर्फेस जब वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं जो एयर में वो कूल हो के वो ग्लास के सर्फेस पे आ जाते हैं ठीक है ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्लास का सरफेस है आप वहां पे अपना इमेज कोई भी इमेज ड्रॉ कर सकते हैं बच्चे नाम लिख देते हैं आपने ऐसा जो है ग्लासेस पे देखा होगा विंडो की ग्लासेस पे भी देखा होगा ये विंटर सीजन में तो ये सारा एग्जाम्पल आपका कंडेंसेशन का ही है देन कम्स टू द सब्लिमेशन द फिनिना ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू गैस और कन्वर्जन ऑफ गैस डायरेक्टली टू लिक्विड विदाउट चेंजिंग इन टू द लिक्विड स्टेट कॉल सब्लीमेशन एक्चुअली मेरी यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है डायरेक्ट चेंज ऑफ सॉलिड टू लिक्विड टू गैस एंड डायरेक्ट चेंज गैस टू सॉलिड विदाउट गोइंग टू द लिक्विड पोजिशन इस कॉल सब्लिमेशन अब इसका एग्जाम्पल क्या है कैम्फर कैम्फर देखा है आपने घरों में कपूर जो होता है उसकी जो पूजा हम जो पूजा वगैरह के लिए यूज करते हैं तो आप दिया जलाते हैं तो कपूर को जब जलाते हैं तो हीट अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे कि जो आपने कपूर को जलाया है वो डायरेक्ट जो है गैस में चेंज हो गया कोई भी उसने लिक्विड फॉर्म नहीं लिया डायरेक्ट जो है वो गैस में चेंज हो गया तो दिस इज कॉल्ड सॉलिड टू गैस कैम्फर इज द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड टू गैस सब्लिमेशन देन इवेपोरेशन द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर पोजे डिफरेंट रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट डिफरेंट टेम्परेचर एकदम करेक्ट है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं जब हम उस पर हीट अप्लाई करते हैं या हीट को इंक्रीज कर दिया या हीट को डिक्रीज कर दिया दोनों कंडीशन में जो पार्टिकल्स हैं उनका जो मूवमेंट है वो चेंज होता है सबके अंदर क्या होता है आपका मोमेंट होता है उस मोमेंट को क्या कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है तो वो तीनों ही स्टेट में होता है ठीक है लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी कुछ और होगी सॉलिड में कुछ और होगी और गैस में कुछ और होगी तो देखिए क्या है ड्यू टू इंक्रीज इन द टेम्परेचर द पार्टिकल्स एट द सर्फेस ऑफ लिक्विड प्रोजेस्ट हायर काइनेटिक एनर्जी आर कैपेबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सराउंडिंग एंड वेपराइज क्या होता है जो लिक्विड होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर स्पेस होता है तो जब हम उसको हीटअप करेंगे ना तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही क्या हो जाते हैं चार्ज हो जाते हैं उनके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो बहुत ही स्पीड में मूव करने लग जाते हैं तो इसी को हम इस मूवमेंट को इस एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा मूव करने लग जाते हैं मूव करके क्या होता है एक दूसरे से जो है वो दूर होते चले जाते हैं और उनके जो पार्टिकल्स दूर हो जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं वाटर जो है लिक्विड फॉर्म से गैस में कन्वर्ट हो जाता है क्यों क्योंकि जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स थे जो आपस में सम एक्सटेंड, ज्यादा नहीं पर कुछ हद तक जुड़े होते हैं वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और दूर होने का मीन्स है कि गैस में कन्वर्ट होना ठीक है दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू वैपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स पॉइंट इस कॉल इवेपरेशन और एक चीज़ जब हम वाटर को गर्म करके उसको वाटर में वेपर में कन्वर्ट करते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है दैट इज़ हंड्रेड डिग्री सेल्सियस बट जो एवेपरेशन नेचुरली जो रूम टेम्परेचर पे होता है वो हमेशा जो है हंड्रेड डिग्री सेल्सियस से डाउन होगा ठीक है ये नेचुरली होता है नेचुरली कैसे होता है तो चलिए मैं आपको बताती हूँ फॉर इंस्टांस द वेट क्लॉथ्स लेड आउटसाइड इन दन सनलाइट बिकम ड्राई आफ्टर सम टाइम आप सभी अपने घरों में जो है कपड़ों को ड्राई करते हैं सुखाते हैं सनलाइट में देते हैं तो आपने कपड़ों को जो सनलाइट में दिया तो कुछ देर बाद वो ड्राई हो जाते हैं तो क्या हुआ एक्चुअली में जब हमने गीले कपड़ों को सनलाइट में दिया तो उसके जो वाटर वेपर्स थे उसके जो अंदर जो वाटर था उस पर जो है सनलाइट का हीट अप्लाई हुआ और वाटर के जो पार्टिकल्स थे उनमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई और वो जो है वैपन में कन्वर्ट हो गए जिसकी वजह से आपका जो क्लॉथ है वो ड्राई हो गया ठीक है सबसे सिंपल फिनना है ये अब किन किन चीजों की वजह से एवेपरेशन होता है एवेपरेशन नेचुरली होता है रिमेंबर दैट ठीक है ये बॉइलिंग पॉइंट नहीं है कि 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए ये नेचुरली है ये रूम टेम्परेचर पे होता है ये नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे होता है तो सबसे पहला जो इवेप्रेशन को इफेक्ट करता है वो है टेम्परेचर हायर टेम्परेचर ऑफ लिक्विड हायर रेट एज मोर मॉलिक्यूल्स एट द रेट सरफेस आर एनर्जेटिक इनफ टू एस्केप अगर टेम्परेचर ज़्यादा है एनर्जी ज्यादा होगी मॉलिक्यूल्स की और वो जो है एवेपोरेट ज्यादा होंगे ठीक है ह्यूमिडिटी ऑफ द सराउंडिंग एयर हाइयर ह्यूमिडिटी लोअर रेट एज मोर वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर टू हिट द स्केप मॉलिक्यूल बैक टू बैक टू लिक्विड आपने देखा होगा ह्यूमिडिटी क्या होती है कभी कभी आप एनवायरमेंट में नमी महसूस करते हैं ठीक है जब एनवायरमेंट में ऑलरेडी नमी है नमी मीन्स वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट है तो वो फर्दर जो है वाटर ड्रॉपलेट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता इसीलिए अगर ह्यूमिडिटी है एनवायरनमेंट में तो इवेपोरेशन कम होता है इसी वजह से क्या होता है जब सनलाइट प्रॉपर नहीं होती तो हमारे कपड़े अच्छे से सूखते नहीं हैं क्योंकि एनवायरनमेंट में पहले ही नमी है तो वो हमारे कपड़ों के अंदर के जो लिक्विड है जो वाटर है उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पाते उसको एस्केप करते हैं देन वॉइलिंग पॉइंट लोअर वॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड फास्टर रेट एज बॉन्ड बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर वीकर लेस एनर्जी नीड टू चेंज द गैस स्टेट क्या होता है वॉइलिंग पॉइंट अगर वाटर को उसकी वॉइलिंग पॉइंट तक पहुँचा दिया जाए तो उसका वेपराइजेशन जल्दी होता है अगर उसका वॉइलिंग पॉइंट कम है तो वो बहुत ही स्लोली इवेपरेट होगा इफ हंड्रेड डिग्री सेल्सियस दिया जाए वाटर का टेम्परेचर तो बहुत जल्दी ही इवेपरेट हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है देन सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड अब सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड क्या है फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि वाटर एक ग्लास में रखा हुआ है एंड वाटर जो है एक खुले बाउल में रखा हुआ है तो आप देखेंगे कि इसमें एवेपरेशन जो है कम होगा और इसमें एवेपरेशन ज़्यादा होगा क्यों क्योंकि इसमें जो है वो सरफेस कम है पानी जो है वो कम इवेपोरेट हो रहा है क्योंकि पानी जो है वो एनवायरमेंट में वो ज़्यादा खुला नहीं है ज्यादा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा और यहाँ पे जो है वाटर का जो है कांटेक्ट जो है एन्वायरमेंट के टेम्परेचर से ज्यादा हो रहा है ज्यादा स्पेस मिल रहा है ज्यादा एरिया मिल रहा है तो वाटर भी ज्यादा एनवायरनमेंट्स में क्या हो रहा है इंट्रैक्ट कर रहा है तो जल्दी इवेपरेट होगा देन मोमेंट ऑफ एयर ठीक है रिमूव द लिक्विड मॉलिक्यूल्स एज सुन एज दे एस्केप जैसे अगर एयर ज्यादा है तो क्या होगा एयर से इवेप्रेशन ज्यादा होगा वो जो है एयर जो है वाटर ड्रॉपलेट्स को क्या करता है जल्दी से एब्जॉर्व करेगा इसलिए वो क्या करते हैं ड्राई हो जाते हैं वाटर ड्राई हो जाएगा इवाप्रेट हो जाएगा गायब हो जाएगा एवेपरेशन मीन्स कि वाटर जो है एवेपरेट होके खत्म हो जाएगा तो एच से क्या होगा जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के वो क्या होंगे एक जगह से दूसरी जगह पर एज अ ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं रिमूव हो जाएंगे देन प्रेशर रिड्यूज एटमोसफियरक प्रेशर इंक्रीज रेट ऑफ इवेप्रेशन अगर एन्वायरमेंट में प्रेशर कम है प्रेशर मीन्स कि हम उस पर फोर्स कम अप्लाई कर रहे हैं तो टेम्परेचर क्या होगा ज़्यादा होगा टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एवेपरेशन ज्यादा होगा देखो प्रेशर का केस अलग है प्रेशर में जो टेम्परेचर है उसको डाउन किया जाता है और टेम्परेचर इंक्रीज करने में टेम्परेचर बढ़ता है तो अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो, तो क्या होगा टेम्परेचर डाउन होगा और टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा जो इवेपरेशन है वो कम होगा इसीलिए ते, जो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर अगर ज्यादा है तो प्रेशर अगर कम है तो इवेप्रेशन ज्यादा होगा ठीक है तो चलिए आई होप कि आपको समझ में आ गए जितना ज़्यादा हम प्रेशर अप्लाई करेंगे क्या होगा कि जो है टेम्परेचर उतना कम होगा इसीलिए अगर प्रेशर कम है तो टेम्परेचर हाई होगा और आपकी आपका जो इवेपरेशन है वो भी बहुत ज्यादा ही फास्ट होगा इवेपोरेशन कॉज कूलनेस द फिन ऑफ इवेपरेशन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ हीट जो इवेपरेशन है वो हीट में क्या करता है अकर होता है ओके okay, क्या होता है ड्यूरिंग दिस फिन द लिक्विड एब्जॉर्व द हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रिकवर द एनर्जी ग्रोन एस्ट्रेट ड्यूरिंग द इवेपरेशन इवेपरेशन में क्या होता है कि जो इवेप्रेशन में जो आसपास की चीज जो सराउंडिंग है उसकी हीट को तो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और आसपास की सराउंडिंग को क्या कर देते हैं कूल बना देते हैं दिस एब्जॉर्बन ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग द सराउंडिंग एरिया कूल ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एस्टोन देखा होगा एस्टोन जो हमने नेल्स नेल, नेल वगैरह पे यूज़ करते हैं नेल, नेल पॉलिश वगैरह रिमूव करने के लिए तो उस एस्टोन को आप अपने पाम पे रखिए देन आफ्टर सम टाइम जो एस्टोन है वो इवेपोरेट हो जाएगा और आपकी जो पाम है वो कूल cool फील करेगी क्या होगा कि एस्टोन ने जो है आपके पाम की एनर्जी को हीट को एब्जॉर्व कर लिया और खुद एवेपरेट हो गया और आपके जो पाम है जिस एरिया पे एस्ट्रॉन रखा गया था उस एरिया को ठंडा कर दिया ठीक है तो ये एवेपरेशन है एवेपरेशन जो है एनवायरमेंट को कूल बनाता है ये देखिए नेल पेंट जो होता है इसको रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं उसको आप पाम पे अगर पुट करके देखेंगे तो कुछ टाइम बाद आप जो है देखेंगे कि जो जहाँ भी टच हुआ है एस्ट्रॉन वो एरिया आपको ठंडा महसूस होगा तो ये इवेपोरेशन जो है हमें कूलनेस देती ओके लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट टॉपिक दैट इज वेयरिंग क्लॉथ्स इन समर वेयरिंग ऑफ कॉटन क्लॉथ्स इन समर हम कॉटन की क्लॉथ्स समर uh, में क्यों यूज करते हैं बिकॉज़ इट कीप्स अस कूल बिकॉज़ द स्वेट इवेपोरेट्स बाय द ऑब्टेनिंग हीट फ्राम आवर बॉडी एंड चेंज इन टू द वेपर द हीट इक्वल टू लेटेट ऑफ वेपराइजेशन इज बींग एबॉर्व फ्राम द बॉडी दैट मेक द बॉडी कूल क्या होता है जो कॉटन के क्लॉथ्स जो हम पहनते हैं क्योंकि हमें गर्मियों में पसीने ज्यादा आते हैं इसलिए हम कॉटन के क्लॉथ्स पहनते हैं तो क्या होता है कॉटन क्लॉथ जो हमें कूल cool रखते हैं क्यों रखते हैं क्योंकि जो स्वेट हमारे बॉडी से निकलता है वो एवेपरेट हो जाता है क्योंकि जो कॉटन की क्लॉथ्स है उनके अंदर जो स्पेस होता है उससे जो एयर पास आउट होती है ना वो हमारे जो जो हमारा स्वेट निकलता है उसको एवेपरेट कर देता है एवेपरेट करने से क्या होता है कि जो स्वेट है वो तो एवेपरेशन होकर गायब हो गया और हमारा जो बॉडी है उसको ठंडा कर दिया ये लेटेंट हीट होती है जो हमारे बॉडी के अंदर छुपी हुई हीट होती है वो वेपराइजेशन के थ्रू जो है ख़त्म हो जाती है हीट खत्म हो जाएगी तो हमारी बॉडी जो है कूलनेस फील करती है तो यही रीज़न है कि हम गर्मियों में जो है कॉटन की क्लॉथ पहनते हैं क्योंकि उनके अंदर जो एयर स्पेस होती हैं वो जो है एबजॉर्व कर लेते हैं स्वेट को इट इज रिकमेंडेड टू वीअर कॉटन क्लॉथ्स इन समर ड्यू टू द फैक्ट दैट कॉटन इज गुड एब्जॉर्ब वॉटर दैट हेल्प टू एब्जॉर्व द स्वेट एंड बींग इन कॉन्टेक्ट टू द सराउंडिंग एटमोसफेयर फॉर इजीवे और वो क्या करते हैं स्वेटिंग को तो एब्जॉर्व कर लेते हैं और जो एनवायरमेंट के हीट से कॉन्टैक्ट करके क्या करते हैं इवेपरेट हो जाते हैं और बॉडी को कूल cool रखते हैं तो दिस इज यिना की हमें जो है गर्मी में कॉटन के क्लॉथ्स पहनने चाहिए ठीक है थैंक्स फॉर वॉचिंग आज हमारा ये चैप्टर यहीं खत्म होता है आई होप कि मेरी वीडियो पसंद आई होगी आपको अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ तब तक के लिए कीप स्माइलिंग कीप स्टडिंग थैंक यू सो मच